तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नमाज भी पढ़ा करो, रमजान आ जाए रोजे भी रखा करो। रोजे आने वाले हैं, हमारे बहुत से भाई ये कह देते हैं, मसले ही तो अजीब होता है, अपने आप ही से मसला बना लेते हैं, इमाम आजम से नहीं पूछते, रसूलुल्लाह से नहीं पूछते, मसला अपने आप अपने घर में तैयार कर लेते। कहते हैं यार तीन छूट गए अब क्या फायदा रखते। देहात वालों का मसला हुआ जी, कहते सुरुई वाले तीन छूट गए, अब जब तीन छूट गए तो छोड़ो। एक बात बताओ, सरकारी पैसा तुम पे कर्जा है, लाए थे भैया बैंक से निकाल के, तो 50,000 निकाल के लाए हो, अब अगर पहली वाली किस्त चली गई तो फिर छोड़ो। पता ये चला कि 50,000 का जब 1.5 लाख बनेगा तो जमीन बिक्री के लिए दूसरे खरीदते तलाश करते घूमोगे कि कोई भैया ले ले जमीन, ताकि हमारा कर्जा कैसे बैंक का निकल। अरे मियां, हर आदमी का तरीका है। तुम देहात को, मैं जानता हूं कि तुम देहात वाले हो, मगर देहात वालों का ये तरीका होता है, धोखे में छूट जाए किस्त तो छूट जाए, वरना कहता यार कम से कम इसी का ब्याज लग गया होगा, आगे वाला निपटाए रहो, आगे वाला निपटाए रहो। अगर ये तुम्हारे बात समझ में आ जाए कि ठीक है 30 रोजों में 3 छूट गए, अगर 3 छूट गए 27 रख लिए, तो हो सकता है अल्लाह इन 3 को भी कबूल। क्यों नहीं सोचा? और मियां मालूम, इतना बड़ा काम कोई नहीं, रमजान का तो काम ही इतना प्यारा है, चाहे हमारे भाई हो चाहे माँ बहने। हमारी माँ बहने तो खूब भैया मियां उसे रखती, ज्यादातर होते ही रोजा, आदमी अपने ऊपर फर्जी नहीं समझते। हमारी माँ बहने ज्यादा रखती है रोजा, भाई लोग हमारे ये समझते हैं घर की मेहरुआ तो रखी रही, इसी में हमारी पार हो जाएगी। मगर रोजे की हालत ये है, जरा गौर तो करो, ये उलमा बैठे पूछो तो, रमजान का चांद निकलता है जब लोग देखना शुरू करते हैं, अल्लाह कहता फरिश्तों ये खुशी क्यों मना रहे हैं, कह रहे मौला तेरा मुबारक महीना आ गया इसकी खुशी है। कहते फरिश्तों गवाह रहना, गवाह रहना, फरिश्तों तुम गवाह रहना, जो मेरे फरमान के हुक्म के तहत चांद देखकर और जो खुशी मना रहे हैं कि वो पाक करने वाला महीना आ गया, अरे फरिश्तों गवाह रहना, हमने उन खुश होने वालों को माफ। जब उसके बाद आदमी सहरी का टाइम उठता है तो रात में हम तो मुसीबत समझते हैं, मगर सहरी के टाइम जब बच्चे उठते हैं, औरतें उठती हैं, नौजवान उठते हैं, मर्द उठते हैं, बूढ़े उठते हैं, जब उठने लगते हैं तो अल्लाह फरमाता फरिश्तों क्या हो गया मेरे बंदों को, हमेशा ये सुबह सूरज निकलने के बाद उठते थे, खाते थे, पीते थे, आज ये रात में दौड़ भाग क्यों? तो अल्लाह फरमाता परवरदिगार हमेशा खाते थे अपनी तबीयत के मुताबिक, आज खाएंगे तेरे हुक्म के मुताबिक, आज तेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मौला ये रात ही में खा के जहां तेरा हुक्म होगा बंद वहां बंद, और जहां तेरा हुक्म होगा खा वहां ये खाएंगे। तो अल्लाह फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाना, हमने इनकी अगली पिछली सब खताएं माफ कर दी और आगे इन्हें जन्नत का हकदार बना। समझ में ये सब चीजें हो जाती। तो इस तरह से रोजा अफ्तार का, और जब अफ्तार का टाइम आता तो कुछ तो भाई हमारे ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा यार भैया, ऐसे में नेता लोग ज्यादा काम करते हैं, जो नेतागिरी करने वाले हैं वो कहते हैं पब्लिक हमारी ज्यादा हो जाए, कहते हैं इमाम साहब जरा ऐलान कर दीजिए हो आज अफ्तार का इंतजाम हमारी। अफ्तार का इंतजाम कर दिया गया, आज गांव भर भागा चला रहा, अल्लाह बुला रहा था कोई नहीं गया, मगर जब विधायक जी ने अफ्तार का इंतजाम कर लिया तो साहब समोसा के चक्कर में पूरे पूरे घर खाली हुए चले जा रहे, सारे मसले अजीब से।
भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, जल्दी से अवतार कर लो। शायद ये सोच रहे थे, इनकी समझ ये कह रही थी कि सातवें रोजेदारों के अवतार कर लोगे, फरिश्ते पहचानेंगे ये भी रोजेदार। इस चक्कर में ये भाग कर पहुंचे, वो अवतार करना शुरू कर दिया। अल्लाह के फरिश्ते भी खूब जान रहे इसमें कौन रोजेदार और कौन गैर रोजेदार, और रोजा भी अवतार किया करो सही माल पर। हर माल अवतार करने वाला नहीं, जब हर माल खाने वाला नहीं होता तो अवतार वाला माल कैसा? जो अल्लाह की रजा के लिए पेश हो वो तो है अवतार का माल, और जो अल्लाह की रजा के लिए नहीं किसी दुनिया के मतलब के लिए है उससे अवतार नहीं होता। अवतार के लिए मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों, किसी न किसी को अपने आप से अवतार करा दिया करो। काहे का अवतार करा दिया करें? या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल नहीं है। मेरे आका फरमाते माल की जरूरत नहीं, पानी से ही किसी का अवतार करा दिया करो। अल्लाह ताला तेरे रोजे को भी कबूल फरमा लेगा, और अल्लाह अवतार करने वाले को भी कबूल फरमा लेगा। उनको तो जो सवाब देगा वो देगा ही, मगर तेरे सवाब में कोई कमी नहीं। देहात के लोगों क्या होता, अगर अफ्तार का मम्मिया ऐलान हो गया बिरयानी आएगी फलाने साहब के यहाँ से, तो बिरयानी खाने के लिए तो मियाँ चटपटाए घूम रहे दीदी से, मगर खजूरिया अपनी जेब में रखी। ये देहात वालों की क्या बता, पुड़िया में लपेट ली अपनी जेब में रखी। किसी ने पूछ लिया ये काहे के लिए, बोले दिन भर मेहनत हमने करी अवतार उनके, उससे कल पहले अपनी खजूरिया बाद बिरयानी। अजीब नियत होती है, जरा हिसाब देखो इन देहात वालों को, क्योंकि मैं तो देहात में रहने के बाद मैंने सभी कुछ देखा ही है कि लोग ऐसे ताह लेते हैं, ज्यादा नहीं रखते जो कोई जान पाए। खजूरिया या छुहारा दवा है, उसमें लपटा रखा या एक पकौड़ी घर से उठा ली और उसे रख ली, और रखने के बाद जल्दी जब पहुंचे तो जैसे ही पढ़ा, जैसे पढ़ना शुरू किया, जहां पढ़ा अमल तो अफ्तर तू, जल्दी से जेब वाली निकाली मुंह में रख ली और प्लेट खींच ली। ये सब जुगाड़ मियां इससे नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते इसी से अफ्तार कर ले, इसी से अफ्तार। तू भोला क्यों बना है? मोमिन के माल से अफ्तार तू कर ले, अल्लाह तेरे सवाब में कोई कमी नहीं आने देगा। अल्लाह के यहाँ सवाब की कमी नहीं है, अल्लाह उसको भी सवाब दे देता है और अल्लाह तुझे भी सवाब। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन सारी चीजों के बारे में हमें और आपको बहुत गौर करके इन सारी चीजों को रखना है। अगर समझोगे नहीं तो यकीनी तौर पर फिर हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। और जो लोग चले गए हैं इंशाअल्लाहुल अजीज, इनके लिए हम और आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, मगर नबी की रहमतें कामिला। और एक चीज और होती है मियां, बड़ा होशियारी से, ये समझ में नहीं आता कि कहां कहां से ये सब लेके आ गए मसले इमामों को तंग करने के लिए। बच्चा आया, जैसे इमाम साहब दोपहर में सोए उन्हें कुंडी बजाना शुरू कर दी, कहीं हाबी जी दड़बड़ा के उठे सोते हुए, कहने लगे क्या बात बेटा? कहते कहीं अम्मी ने भेजा, काहे के लिए? वो हजारी रोजा कर। जुगाड़ बहुत बढ़िया है, हजारी रोजा एक दिन रख ले, 1000 रोजे अदा। तो जब हजारी रोजा एक रख लो कितने साल के निपट जाएंगे? साल में 30 ही तो हैं, और रखे तुमने 1000 एक ही दिन में, कितने सालों का निपटारा हो गया हिसाब लगा वो। तो हजारी रोजा ढूंढते घूम रहे हैं, हजारी रोजा, अरे हजारी रोजा के चक्कर में ना पड़ो। रमजान का एक रोजा मेरे आका फरमाते हैं, रमजान का एक रोजा हजारी 1,00,000 रोजे, एक रोजे का मुकाबला नहीं। रोजे की अजमत अलहदा है, उसका मकाम अलहदा है, क्योंकि वो हुक्म अल्लाह की तरफ से। तो हमारी और आपकी समझ अलहदा है, अजीब अजीब समझ से काम करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया एक चीज,
देखो अगर कोई भी बात देखो किसी के यहाँ कोई इंतकाल हो गया अब वो घर वाला तो भैया जिसके यहाँ चला गया सदमे में रो नहीं लेगा। जब रोया जैसे रोया वैसे औरतें आ गई कहने लगी आप रुइयो ना मुर्दा गुनहगार हो जाता। रोइए अब गुनहगार मुर्दा। फतवा देखो कितना अच्छा कहने लगी आप रुइयो ना मुर्दा गुनहगार हो जाता। अब ये कह दिया तो अब आपा परेशान चुपे चुपे सुस्की ले रही सिसकी ले रही कि ये जाने वाला गुनहगार। अरे जाने वाला गुनहगार नहीं रोना गुना नहीं है ढोंग करना गुना है ढोंग करना रोना गुना नहीं। इसलिए कि नबी की हदीस जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान जब दुनिया से गए तो मुस्तफा जाने रहमत रो रहे थे। आपके चचा अबू तालिब दुनिया से गए नबी रो रहे थे। आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा दुनिया से गई मुस्तफा जाने रहमत रो रहे। आपके बेटे हजरत इब्राहिम इस जहान से गए मुस्तफा जाने रहमत रो रहे। सरकार के जलीलुल कद्र साहबी गए नबी रो रहे थे। रोना गुना नहीं है ढोंग करना गुना। अब करते क्या है मियां रोए तोड़ो इसे। अम्मा अलैदा पड़ी रही बुढ़िया किसी ने नहीं पूछा चाय पियोगी या नहीं पियोगी बिचारी अलैदा एक दिन पका ली दो तीन टाइम खाई किसी ने नहीं पूछा अम्मा खाई नहीं खाई। एक बड़ी पड़ी है अम्मा बिचारी यूं ही गुजारा करती रही अपने जैसे नमक अमक चटनी जैसे खाती रही किसी बहू ने नहीं। एक दिन किसी पड़ोस वाली ने जब देखा तो वहां अम्मा आई। जब कोई उनका पुरसाने ही हाल नहीं था तो उन्हें देखता कब अम्मा मर गई किसी को खबर ही नहीं हो पाई किस टाइम दुनिया से चली गई। ये नाकदरी बहुत से बाप ऐसे माँ ऐसी हैं जिनकी लाशें पूरे पूरे दिन पड़ी रही पता नहीं चला। पूरे लड़के मौजूद रहे बहुएं मौजूद रही मगर उनके मरने का हाल नहीं पता चला कब मर। मेरे प्यारे भाइयों जन्नत ढूंढना जन्नत ऐसे मिलने वाली नहीं। अब पता ये चला जब किसी बूढ़ी ने देखा कोई जरूरत से मोहल्ले वाली आ गई उसने देखा और उसने कहा ओ बहू क्या तुझे पता है तेरी बूढ़ी तो खत्म हो गई। जब आई तो देखा साथ जैसे आगे बहू ने देखा मुड़िया हिलाई अम्मा तो जा ही चुकी थी। अब चिल्ला पड़ी हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अकेले अब घर में कैसे कहेंगे पूरा मोहल्ला। जैसे ही बहू डिड़ी आई वैसे मोहल्ला जमा हो गया। जब जमा हुआ तो लोगों ने मोहल्ले की औरतों ने कहा अरे सास तो जाने को चली गई इसे बिचारी को समेटो वरना ये सास से भी पहले चली जाएगी। उसका चिल्लाने का हाल ही वो था। ये सिर्फ दिखा रही थी गांव को कि देख लो हमें मोहब्बत कैसी अपनी सास कि हाय अम्मा अकेले हम घर में कैसे रहेंगे। इतना जमाना गुजर गया तब कैसे रह रही थी सास अब कैसे रहोगी अब तो तुम्हारा ठाट गुजरेगा खूब अच्छे तरीके से रहोगी मगर नहीं चिल्ला चिल्ला के दुनिया को दिखाया। मेरे प्यारे भाइयों इसे ढोंग कहते हैं। काश अगर बहू ने ऐसी ही मोहब्बत कर ली होती अपनी सास से तो अल्लाह की कसम इसे जन्नत से कोई रोक जन्नत से कोई नहीं रोक पाता। मेरे प्यारे भाइयों इसलिए समझ पैदा करो अभी जिंदगी है अभी मौका है जिंदगी के दिन बाकी हैं अभी सही तरीके से काम कर ले जाओ वरना जिंदगी भर तुम्हें पछताना ही फिर पछताने से कोई काम निकलेगा नहीं। आला हजरत फरमाते आला हजरत ने इसीलिए समझाया था कि आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर आज मान लेगा तो काहे ये सब धक्के उठाना पड़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई सही तरीके से समझ जा और अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। मौका नहीं है मेहमानी की तरह एक दिन जाने वाले हो
कोई न कोई दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन मौत अपने दामन में ले लेगी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को अल्लाह ताला सौम सलात का पाबंद बना दे। परवरदिगार आलम मस्जिदें आबाद करने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिदें बनाने की भी तौफीक अता फरमाए। ये भी बड़ा काम है, बड़े ज़ौक़ और शौक़ का काम है। मस्जिद बनाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई, अम्बिया ने मस्जिदें बनाई, और आज भी जो काम है मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मस्जिद का कोना अगर शहीद हो गया, जो बंदाए मोमिन उस कोने की मरम्मत कर रहा है उसकी देखभाल कर रहा, नबी फरमाते हैं वो मस्जिद का कोना नहीं बना रहा जन्नत बना रहा, वो जन्नत बना रहा जन्नत। फिर बात वही आ जाती कि वो जन्नत बना तो रहा, सब समझ आ जाएंगे, मगर ये समझ नहीं आती न भाइयों को न माँ बहनों को, ये समझ में नहीं आती बात। अगर मस्जिद का मसला आ जाए तो समझ में नहीं। ये कमेटी वाले अगर चले जाएं मस्जिद वाले और कुंडी बजा दे, कह दे कैसे आए हो, कहा मस्जिद का वो फर्श पड़ना इसलिए आए कि उनके अब्बा जो मिस कहे। अब बीवी को मतलब नहीं, अब्बा से मतलब है। कोई मामले आ जाए, चटाई के लिए कह दो, लोटे के लिए कह दो, मीनार के लिए कह दो कि उनके अब्बा जो मिस कहे। ग्यारहवीं के मिलाद होने हो ऐसे तो बड़े पीर साहब की बहुत बड़ी आशिक। अब अगर लोग कह दें कि साहब मस्जिद में ग्यारहवीं शरीफ गौसे आजम की फातिहा होना है, मिलाद होना, तो कहीं उनके अब्बा जाओ इसका। बारह रबीउल अव्वल का जलसा होना, कहीं उनके अब्बा जाओ इसका। जब सब कुछ अब्बा ही कहेंगे तो फिर अम्मा का रखते ही क्या, कयामत अम्मा खाली हाथ दिखाई देंगी। अम्मा के पास कुछ नहीं होगा, अम्मा उस दिन पछताएंगी, हाय हम तो खाली हाथ रह गए। मेरे नबी फरमाते थे आए आयशा अपने नाम से खैरात और सदकात कर दिया करो, इसलिए कि औरतों को मैंने ज्यादातर जहन्नम में देखा। मेरे नबी फरमाते मोमिनों की माँ से फरमाया कि अपने नाम से खैरात और सदकात करती रहा, मैंने औरतों को बहुत ज्यादातर जहन्नम में देखा। अब इनसे किसी तरह नहीं हो सकता मियाँ, अगर मामला देखिए, अगर आपा की अच्छी झुमकियां नई डिजाइन देख ली, घर आए कहे आपकी ऐसे बदलेंगे जैसे आपा की है। आदमी तड़प उठा, उसने कहा घर में कुछ रहा नहीं, करने में घाटा हो गया, तुम्हें वहां झुमकियां बदलने की पड़ी, कहीं तुम्हारा तो ऐसा ही करना चाहता रहता, लड़ाई हो गई घर में। मियाँ लड़ाई हो गई, झुमकियां लड़ भिड़ के बनवा ली, झाले बनवा लिए, मगर चंद दिन के बाद बहू आ गई, उसने कहा अम्मा तुम्हारे झाले बहुत बड़े, कई बिटिया तू ही पहन ले। बहू ले लिए बड़े प्यार से, मुस्कुरा के ले लिए, चले गए। अगर अकल होती तो इन कामों के लिए औरतें पीछे नहीं लगती, अकल होती तो इस काम के लिए पीछे लगती हैं। मेरे शौहरों हम तुम्हारी खिदमत करते हैं, तुम्हें रोटी पका के देते हैं, तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी करते हैं, तुम्हारा घर रखाते हैं। अगर चार बोरी तुमने अपने नाम से मस्जिद में दी है तो दो बोरी हमारे नाम से भी दो, ताकि जब तुम जन्नत में जाओ तो हम भी जाए। तरीका होना कहने का ढंग होना चाहिए, मगर ना ये समझ नहीं। तो आदमी कह रहा है ये मस्जिद वाले आए हैं, जा डेहरिया में से एक बोरी गेहूं निकाल दो, तो अब बोरी देखती जा रही, आधी बोरी हो गई, आधी बोरी हो गई। आदमी कह रहा निकालो और निकालो और निकालो, फिर वो कह रही क्या सब दे ही दोगे क्या। इस मसले की बहुत आ गया, ये दिल कर रहा पर ना करो, मेरी माँ बहनों मरने के बाद खाली कुछ है नहीं, सब यही छूट जाएगा। ये तो सब दुनिया जानती है, सबका छूट जाएगा, हम हो आप हो कोई हो, ये सब कुछ यही रह जाएगा, बस उतना ही साथ है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। इसलिए अल्लाह ताला हमें और आपको दीनी रास्तों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दीन की हिमायत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए, ईमान पर जिंदगी दे और ईमान ही पर खात्मा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि वातुबु इलैही, कलमा शरीफ पढ़ के ईमान ताज़ा कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाखिरु दावाना।